foodies, I'm Priyanka and welcome to My Chef at Home. Today I'm going to show you pasta in a white sauce. Pasta is a staple food of traditional Italian cuisine and I'm going to make it in my way. So let's see the ingredients first. हमने यहाँ पे बो शेप का पास्ता लिया हुआ है एंड देन वाइट सॉस बनाने के लिए हमें लगेगा ऑल पर्पज फ्लावर, फाइनली चॉप गार्लिक, 1 कप मिल्क, ग्रीन बेल पेपर, फाइनली चॉप स्प्रिंग ऑनियन, बटर एंड येलो बेल पेपर एंड बेबी कॉर्न. So here we have some pasta seasoning, rosemary, oregano, red chilli flakes, basil and black pepper. With the procedure, सबसे पहले हम लोग पास्ता बॉईल कर लेंगे. हमने पानी बॉईल होने के लिए रख लिया है. उसमें हम एम्पल ऑफ सॉल्ट डालेंगे. देन पास्ता अभी हमारा पास्ता भी कुक हो चुका है. अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स कर लेंगे ताकि पास्ता एक दूसरे से स्टिक ना हो. पैन में हमने बटर डालना है. बटर में 1 टेबलस्पून ऑल पर्पज फ्लावर में कुक करना है. इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ऑल पर्पज फ्लावर की जो रॉ स्मेल है वो नहीं चली जाती है. हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे. अभी हमने इसमें 1 कप मिल्क ऐड करना है. मिल्क ऐड करने के बाद हमें इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना आए. जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा सॉस थोड़ा सा थिकन होना स्टार्ट हो चुका है. तो अभी हम इसमें हमारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे. फर्स्ट विल गो ऑनियन, देन कैप्सिकम, बेबी कॉर्न, येलो बेल पेपर. अभी हमें इसे 2 मिनट तक कुक करना है. अभी हमने पास्ता सीजनिंग ऐड करनी है. सबसे पहले बेजिल, देन गोज ऑरेगानो, देन रेड चिली पेपर, रोजमेरी, ब्लैक पेपर. And lastly, salt to taste. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें पास्ता ऐड कर लेंगे. अभी हमें इसे 2 मिनट तक के कुक करना है. So now our pasta in white sauce is ready. Now I will transfer it to my serving plate. Thank you for watching my video. अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन YouTube. Thank you.